फिर से एक बार आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट पे भारत ने अपना क्या रुख साफ किया है, क्योंकि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट एक हफ्ते से चल रहा है, इस बीच भारत ने कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि भारत किसको सपोर्ट करेगा और भारत का क्या रुख होने वाला है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और भारत के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में TS त्रिमूर्ति, उन्होंने भारत की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसके साथ है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में भारत के एम्बेसडर ने पूरा कड़ा रुख अपनाते हुए इसराइल और हमास की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उन सभी को भारत ने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया और साथ ही इसराइल के एग्रेसिव रुख का भी बहुत विरोध किया भारत ने। जिस तरह इसराइल गाजा पट्टी में हवाई फायरिंग और हवाई हमले कर रहा है और जिस तरह लोगों की वहां जाने जा रही है, लगातार जिस तरह इसराइल एक हफ्तों से वहां बॉम्बार्डिंग और हमले कर रहा है, उन सभी हमलों को निंदा करते हुए भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द टारा हो और टू स्टेट सॉल्यूशन पे काम किया जाए। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसमें भारत के एम्बेसडर त्रिमूर्ति ने जो बातें कही और बड़े ही टफ लैंग्वेज में उन्होंने ये बात कही। इसराइल और हमास के हमले को भी उन्होंने गलत ठहराया। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. आई होप कि ये वीडियो आपने देख लिया होगा, तो आपको ये साफ साफ पता होगा कि भारत का रुख क्या है और भारत ने अभी तक क्या कहा।